शहर, मोहल्ला, तालाब, ऐसा एक सुंदर सा गांव जहां सभी लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। प्रभु की दया इस गांव के लोगों के ऊपर है, सब लोग बहुत खुश हैं। उसी समय रोम से आया मारिया जाति के लोगों ने अपना एक नया गांव बसाया। ये लोग वहां व्यापारी बन गए। उनकी मदद वहां के कुछ लोगों ने ही की, बदले में उन्होंने उनको वहां का बड़ा अधिकारी बना दिया। इसी में न्याय और अन्याय हो रहे थे, उससे ही मिलती जुलती हमारी एक कहानी है जो इस गांव से शुरू होती है। तमाशा देख रहे हो? तुम लोगों का परिवार नहीं है क्या? ये औरत दर्द से तड़प रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाने के जगह यहाँ खड़ा होके तमाशा देख रहे हो? हम क्या करें पार्वती, कोई गाड़ी देने को तैयार ही नहीं है। कैसे इंसान है, जब उसके घर में ऐसा कुछ होगा ना, तब उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। निर्दयी कहीं के, इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने वाला यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? चल हट। ए पार्वती, तू अपनी बकवास बंद कर। तू किसके लिए जी रही है? तेरे जिंदा रहने से अच्छा है कि जाके कहीं मर जा, समझ गई? इस औरत की कोई भी यहां मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने की तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ये बात दिमाग में डाल लो। सुनो जोश, अभी अपनी दुश्मनी भूल जाओ, इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो ये मर जाएगी। तू जाके अपना काम कर, नहीं तो मेरे लड़के तेरे घर में घुस के एक एक की बूटी बूटी काट डालेंगे। जाके अपना काम कर, मेरे मामले में टांग नाड़ा। सब लोग कान खोल के सुन लो, इसको यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता है। मेरा नाम जोश है, किसी ने भी इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की तो मैं उसे काट डालूंगा। हट जा रे। चाची, अरे चाची, क्या है, सबके सामने मत बोल, कान में बोलना, क्या है? चाचा जी, देखो अपने सेल्वन की बेटी की क्या हालत है। हाँ, देख रहा हूँ मैं। अरे जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। राघव, गाड़ी नहीं आएगी। अगर प्रांस गाड़ी लाया तो जोश उसके परिवार को खत्म कर देगा, सही है ना प्रांस? अरे क्या है, क्यों खड़े खड़े देख रहे हो, क्या है? तुम लोग के सीने में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। तुम में से कोई नहीं जाएगा, तुम सब के सब डरपोक हो। ये अब्दुल खुद जाएगा। सेल्वन मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, समझ गए? राघव गाड़ी लेकर आओ, चल। हाँ ठीक है, हटो हटो सामने से, हट जाओ। अरे सामने से हटो, हटो 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 सामने से, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। क्या बात है, सारे खिलाड़ी एक साथ। जोश, अभी बात करने का समय नहीं है, हट जा सामने से। घर में तेरे एक बच्ची है ना, तो फिर तू इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों, तू भी इसका बाप है क्या? हे जोसेफ, देख तू अपनी जुबान संभाल कर बात कर। जोसेफ सिर्फ बात नहीं करता है, करके भी दिखाता है। अरे जाने दीजिए, चल दिखा दीजिए, मैं भी देखता हूं। अरे शांत हो, अरे रुक जा, रुक जा, छोड़ो, अरे शांत हो, जाने दो भाई, क्या हो रहा है वहां पे, जाने दो भाई। क्या प्रॉब्लम है सर? ये औरत मार्केट में रहती है, ये गर्भ पीड़ा से तड़प रही है, इसे ले जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही है, तो हम इसे ठेला गाड़ी में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन ये लोग बीच में टांग अड़ा रहे हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, इसे तुम जीप में लेकर जाओ, थाने में देखूंगा इसे। ओ, 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 ओ,
मल्लिका को लड़का हुआ है। और मल्लिका? मल्लिका जीसस। बहुत बहुत गलत हुआ है। अभी से मैं ही पालूंगा, ये मेरा घर रोशन करे। अभी अब्दुल का बेटा बनेगा। मरियम चुप रहिए आप। क्या जरूरत थी इस बच्चे को यहाँ लाने की? इसी तरह बच्चे लाते रहे तो ये घर एक दिन अनाथ आश्रम बनकर रह जाएगा। क्यों मुंह खुलवाते हैं मेरा? इस प्यारे से बच्चे पर रहम करो, रो रहा है ये। हो सके तो इसे थोड़ा दूध पिला दो तो अच्छा रहे। नहीं जी, मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। दूसरे के बच्चे को कैसे दूध पिलाऊं बताइए तो। माँ ये बहुत छोटा है ना, इसलिए रो रहा है। इसे दूध दे दो ना। सुन लिया? चाहे कुछ भी हो जाए, साथ ये बाप का ही देती है, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हैं, लाइए ये बच्चा मुझे दीजिए। मेरी प्यारी बीवी हो तुम, इसे दूध पिला दो। चुप रहिए। अब सब ठीक से हो गया? अभी तक का तो जो भी काम था वो सब निपट गया। ये क्या तमाशा बनाकर रखा है? तुम और तुम्हारे भाई ने जिन गुंडों को बुलाया था उन लोगों ने मार्केट के सारे लोगों को कितना मारा पता है? अब हम धंधा कैसे करेंगे तुम ही बताओ। एक को बुलाया है मैंने भाई, देखो वहां देखो। अरे यही वो आदमी है क्या? ये मार पाएगा या मार खाएगा? इसे बहुत ढूंढ कर निकाला है मैंने भाई, बहुत बड़ा चोर है, इसका नाम है चोर बाबू। आप देखना आपका काम कर देगा ये चोर बाबू। अब तुम कैसे काम करोगे भाई? बाप रे, ये क्या है सर? पैसा मिले तो ये चोर बाबू कुछ भी करेगा। मुझे जिसने काम सिखाया ना, उसी का गला मैंने रेत डाला था। मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। वाह, मुझे भी तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अगर तुम ये सोचते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। सुनो सुनो, उधर देखो, फोटो सेट लगा है, फोटो सेट। सुनो रफीक, वक्त बर्बाद मत करो, तुम इसे ले जाकर वो सारी पेंटिंग जो है ना वो दिखा दो, मैं भी तो देखूं इसका काम। अब्दुल ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया और इसने सारे पैसे उड़ा दिए। ऐसे सो रहा है जैसे पता नहीं क्या काम करके आया हो, ना काम का ना काज का। एक बात नहीं सुनता मेरी, कुछ भी कहो तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती इसके। कोई नहीं सुनता इस घर में मेरी, कोई कद्र नहीं करता है मेरी। माँ आज नाश्ते में क्या बना रही हो बताओ ना। अपने भाई से कह देना कि बात नहीं करे। पूछ उससे रात को इतनी देर से क्यों आता है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, तू इकलौती बेटी है। कल को अच्छा लड़का देखकर ना तेरी शादी ही करवा दूंगी, भेज दूंगी यहाँ से तुझे। ए, मैं ऐसे ही बकबक नहीं कर रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ तुझसे। तेरे भाई से तो कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बनता, एक नहीं सुनता। मुझे तो लगता है कि वो जो मुट्टू है ना वही इसे बिगाड़ रहा है। खुद तो किसी काम का नहीं, इसे भी निकम्मा बना दिया। चिंता मत करो, उसे तो मैं सीधा करती हूँ। तुझे तो मैं
आज क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, पागल हो गई हो क्या? इसके पेट में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने दबा दिया। हाँ वो तो आदत है इसकी, इससे कुछ नहीं होगा, तू जाके अपनी पढ़ाई कर जा, चल। हाँ बांगड़ा 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 पॉम्पलेट 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 पॉम्पलेट, आइए आइए ले जाइए। ए चुप क्यों बैठा है, तुम भी बुला। आओ 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 आओ, लेके जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ 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 आओ। ए क्या बैठा हुआ है, बुलाना जल्दी, बुला सबको। अब तो घंटी भी बज गई, ग्राहक को बुलाना नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? अरे अपना हीरो आ रहा है ना। तुझे बस बहाने चाहिए। ये दो मच्छी लेके आया हूँ। हाँ ठीक है तुम इसे रखो, मैं इसे भी बेच दूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बांगड़ 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 आ जाओ आ जाओ, लेके जाओ ताजा मच्छी लेके जाओ, आओ 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 मच्छी लेके जाओ। मेरा भाई इतना तंग कर रहा है, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता। 10 बज गए हैं, मनोहर काका से कॉफी पीने का समय हो गया है। क्या मनोहर काका से कॉफी? अरे ऐसे ही कॉफी भाई। ए, बहुत नकरे हैं तेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कॉफी पी कर आता हूँ। क्या बात है, जल्दी आ जाना। ए क्या कर रहा है, आवाज देना जल्दी, धंधा करना है। कॉफी पीने जा रहे हो क्या? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चिकन ले लो भाई, चिकन सस्ता लगा दूंगा, ले लो भाई। ए, देखो जा रहा है ना कॉफी पीने के लिए। ये क्या मतलब, हम भी चले क्या तेरे साथ, एक एक कॉफी पीकर आ जाएंगे। चुपचाप बैठ रहे, जाके अपना काम कर, बड़े आए कॉफी पीने। ए मालिनी, से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह मार्केट में कितना काम होता है ये तो तुम जानती हो ना। मुझे भी सुबह सुबह बहुत काम रहता है, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो ना। सुनो यार, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम फालतू सोचना छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो, सिर्फ फ्रेंड। ये सब मैं जानती हूँ, तुम्हारे प्यार के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लड़की बहुत सुंदर है ना। कोई बात नहीं, तुम खुश हो मेरे लिए काफी है, मेरा प्यार तो वन साइड है, पर जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। hey! क्या चल रहा है, लव बेटर है क्या? तू जानता है ये मेरी बहन है। तेरा मेरी बहन से शादी करने का इरादा है क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? पिताजी का नाम बदनाम कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। मुझसे कैसे बात कर रही है तू? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा ख्याल रखता हूँ मैं, मेरे को कुछ होगा तो तेरे को दुख नहीं होगा क्या? आखिर भाई हूँ मैं तेरा। हाँ क्यों रे, मैंने सही बोला ना? तुम इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो यार, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत तो है ही, तो फिर मेहनत करके जियो ना। क्या मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। सुन बहना, मेरे को कुछ पैसा चाहिए। पैसे नहीं मेरे पास। हाँ? पैसे हैं तेरे पास, इसके अंदर हैं, निकाल दे मुझे। कहा ना नहीं है पैसे, मैंने कहा दे, वापस दे इसे। पैसा नहीं देगी, बढ़िया ही पैसा नहीं। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, जाओ यहाँ से। हाँ
तड़ा बे, कौन है? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से देख रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत डिसेंट आदमी हूँ। अब तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, दो दिनों से खाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि दो दिन से नहाया भी नहीं हूँ। वो तो अभी यही था, लेकिन कहाँ चला गया? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कालिया लगता उधर गया है। अरे कालिया, 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 मिल गया, मिल गया। मैं बचा। समझ गई तो तुम इसका साथ दे रहे हो? हाँ? अरे दुर्गा, तुम बुरा मत मानो, हमारे साहब तो बहुत ही भोले हैं, इनके मुंह में उंगली रखोगे तो भी नहीं काटते हैं। देखना चाहोगी? चलिए काटिए, काटिए, काटिए। नहीं काटे, देखिए कितने भोले हैं। इसका साथ दिया तो ये साथ निभाने वाला है, लेकिन तेरा क्या? तू तो एक नंबर का कमीना, इसे भी फंसाएगा और मुझे भी फंसाएगा। एक अच्छी लड़की ढूंढ और इसकी शादी करवा दे, वरना तेरा वो हॉल करूंगी। लो, समझ रहा है ना? बच के रहना इससे। सुनो भाई, वो देखो दुकान में अकेला है, हमें बेवकूफ बनाता है, उसे सबक सिखा देना। तुम उसे बुलाओ। दास भाई। भाई मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए ना। सुनो दास भाई, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जो भी कहना है इससे कहो। भाई पैसे तो मिल जाएंगे, मैंने साहब से बात कर लिया है, आप परेशान मत होइए। अबे दास के बच्चे, पैसा लेके खा गया, चुकाते वक्त रोना आ रहा है, चल निकाल पैसे। पैसे नहीं दिए तो घर में घुस के मारूंगा। आज सूर्य डूबने तक तुझे मौका देता हूँ, उसके बाद मूल के साथ ब्याज नहीं चुकाया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कौन हूँ तुझे पता चलेगा? मैंने कहा ना भाई, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं दे दूंगा। तुझे और वक्त चाहिए? ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर इसे क्यों मार रहे हैं? आप सबके सामने इसे ऐसे नहीं मार सकते। चल इसे छोड़ देता हूँ, पैसा तू देगा क्या? अभी दे, इसी वक्त दे, देगा क्या? बोल ना बे। ए, ऐसा मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, जानता है कौन हूं मैं? एक दो तीन, उस लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। ए! ए! मैं तुम्हें इससे काट कर फेंक दूंगा, तुम मुझे नहीं जानते हो और ना ही तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते हो। अरे अरे कालिया भाई, इससे मैं मछली काटता हूँ, इससे तुम मुझे काट देगा क्या? अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रख, आखिर मैं तेरा। अरे मैं तुम्हें नहीं कह रहा भाई, अरे वो जिसने समीर से पंगा लिया है ना, मैं अभी के अभी उसे खत्म कर दूंगा, अभी आता हूँ। इसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं भी आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी आता हूँ, बताता हूँ। देख क्या रहा है, चल भाग यहाँ से। क्या रे चाकू दिखा रहा है? मछली काटने वाला चाकू है साहब, इसे धार करने के लिए पत्थर ढूंढ रहा हूँ। टाइम क्या हुआ है साहब? टाइम देखकर चाकू में धार लगाता है क्या? चल निकल। जाता हूँ साहब। चल जा। ए, कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा।
जानता नहीं है तूने किस पर हाथ उठाया। तूने मेरी जान को हाथ लगाया। अगर तू दोबारा मुझे कभी भी मार्केट के अंदर दिखाई दिया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। समझ में आया? समझ में आया ना? जान से मार दूंगा। ए मुत्तू, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसके पीछे कुत्ता छोड़ देना चाहिए। अरे वाह, कैसे लेटा है देख लो, क्या किया तुम्हारा ये चोर बाबू, गुंडा वासु, प्रेत साजी। देखो शर्म आनी चाहिए, मार्केट में गए और मार खा कर आ गए। मैं किसी भी हाल में उसे जान से मार के ही रहूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तुमने कहा था ना ये लोग मार्केट में जाएंगे और सबको मार कर आएंगे। अरे मैं गया होता ना हाँ। तो वो मुझे भी मारते, मैं आपके हाँ? साथ हूँ आपकी हिफाजत हाँ। के लिए। बस इतना ही। एक काम करो हाँ? ये लो पकड़ो। ओ हाँ। जरा पास आना। ओ, बहुत जोर से लग गया। सेठ जी, अभी पैसे देने में देरी हो रही है, एक दो दिन की मोहलत दीजिए ना। यकीन कीजिए पूरे पैसे चुका दूंगा, बस एक दो दिन दे दीजिए प्लीज मालिक। फिर कभी ऐसा नहीं होगा, इस बार बस माफ कर दीजिए, पूरा पैसा चुका दूंगा। पैसे एक या दो रुपए नहीं है, 75 लाख रुपए हैं। कल इस वक्त तक अगर पैसे नहीं मिले ना तो फिर तू खुद सोच लेना, मैं कोई जवाब नहीं सुनूंगा। तेरा परिवार भी है ना, कोई भी नहीं बचेगा परिवार में। मालिक मेरे परिवार को कुछ मत करना मालिक। मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तू समय पे मेरे पैसे मुझे दे दे, और अगर तूने नहीं दिया तो तू जानता है मैं क्या करूंगा। जैसे फिल्मों में विलेन की एंट्री होती है, तुम्हारी एंट्री बहुत ही जबरदस्त है, कमाल का है। हम लोग बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। साहब जी, जैसा आप सोच रहे हैं उस काम को अलग तरीके से करना होगा, रूट बदल कर खेलना पड़ेगा हमें। इसके बारे में तुम जरा खास ध्यान रखोगे तो अच्छा है। क्यों भाई लोग, चोर और पिल्लई ने काम कर दिया ना। वो चोर बाबू, वो लोग कुत्तों की तरह मार खाकर मेरे कदमों में आकर गिरे। देखिए भाई, 4 साल से काम नहीं हो रहा है, मार्केट में वो मुत्थू है ना, उसको हटा दिया तो अपना काम एक बार में हो जाएगा। सिर्फ बातें करने से कोई फायदा नहीं है, काम करके दिखाना होगा। किसी भी हालत में उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाई जरा बीड़ी दे दो। चल भाई, ये कल्याणी जी, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं अभी तक नहीं हुई है। शादी होगी तो बताना, ये जोश भाई तुम्हें एक बढ़िया गिफ्ट देगा। सही कह रहे हैं, अब सेठ जी हर वादा पूरा करते हैं। नमस्कार सर, मैं ब्याज वाला। तो नहीं, यहाँ नए पुलिस वालों को मैं ऐसे ऐसे ऐसे। अरे छोड़िए ना साहब, जो भी नया पुलिस वाला यहाँ आता है ये उसकी पॉकेट भर देते हैं। ओ, यहाँ जो भी नए आते हैं ना मैं उनको पैसे देता हूँ। तुझे पॉकेट मारने की आदत पड़ी हुई है हा? करता है कि नहीं करता? ऐसा तो साहब नहीं हो सकता। सर मैं मार्केट में थोड़ा बहुत ब्याज पर पैसे देने का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर को टाइम मिले तो मेरे गरीब खाने पर एक बार पधारे। वो सारी बातें छोड़, पुलिस स्टेशन में आके यहाँ टेबल पर तू बैठा हुआ है, तेरे बाप का घर है ये? नहीं साहब, ये अपना घर नहीं है, ये जॉर्ज साहब है सर। कौन? जॉर्ज साहब। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? जरा बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ किस काम के लिए आए हो वो बताओ। खिसक लो। हाँ? चला हाँ? गया, कहाँ गया ये? भाग कर जाते कहाँ है ये लोग? सर्वमध्यो भवा, सर्वमध्यो भवा। बैठ जा दास भाई, हम आपका काम जरूर करेंगे। अरे
ये मिल रहा है उसके लिए नहीं। क्या है भाई कि हमें इसकी तो जरूरत भी नहीं। हमें कुछ मिले या ना मिले फिर भी हम आपका काम करेंगे। अरे चुपचाप पीना शुरू करो ना। नया एसआई आया है ना, त्योहार खत्म होने के बाद अपना काम कराएंगे। ए, ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। वैसे भी दास भाई इसे आपके लिए लेकर आए हैं, तो दास भाई इसे खत्म करना है ना। नहीं नहीं, खत्म नहीं करना है। हाँ सही है सही है। दास भाई मैं भी आना चाहता था लेकिन क्या बताऊं, दुकान में बहुत ही भीड़ थी। हाँ पता है पता है। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हैं, दास भाई को इतनी मार पड़ी और तुम कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने पंगा लिया ना तो उसको ऑफिस बंद करवा देंगे। सही है। दास भाई आप चिंता मत करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। साहब जी आप ज्यादा मत पियो, आपकी जुबान फिसल जाएगी। मैंने अचार लाया था, कहाँ है वो? तुझे अचार चाहिए? तू चल आ जा मेरे साथ, चला जा। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? ए भाई तुम क्यों रो रहे हो, आखिर हुआ क्या है बताओ। उसने मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है मैं थोड़ा पी लेता। अरे तो इसमें क्या हो गया, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। ठीक है मैं ये भी पी लेता हूँ, और क्या करूँ। अरे कुछ बजाओ ना। क्यों रे, यहाँ बैठ के ढोल बजा रहा है? तुम सब मिलके मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अरे ढोल ऐसे बजाते हैं क्या? अरे मैं भी इससे यही कहने वाला था। अरे बात ऐसी है कि जो हमें आता है वही हम बजाएंगे, दूसरा कुछ थोड़ी ना बजाएंगे। तुझे बोल के कोई फायदा नहीं, तेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। ढोल कैसे बजाते हैं इसे पहले सीखो, उसके बाद बजाओ तुम। यही तो मैं भी बोलना चाह रहा था पार्वती। ये कैसे ढोल बजाता है ये आज मैं भी देखूंगी बैठ के। जैसा मैं बोलूंगी उसी ताल में ढोल बजाना। भाग जाओ शेर आया, भाग जाओ शेर आया, डग मग डग मग डग 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 डग। अरे ये तो पार्वती जा रही है, चला जा। डग 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 डग। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा गा रही हो, लगता है उतर गई है तुम्हारी। एक छोटा सा पैग और बना कर दूं? मैं अपने पैसे खर्च करके पीती हूँ। अरे अपने दास भाई जो है ना उनके पास थोड़ी सी बची है, चाहे तो आकर पी लो। क्यों, दास को लॉटरी लगी है क्या? अरे दास ने नहीं मारा, गुंडे लोगों ने आके मारा। उसका सुख दुख बांटने के लिए हम उसका साथ देंगे, मैं तो यही सोच रहा था। चलो चलते हैं। चलो पार्वती। अरे चलो आ जाओ। बियर के मजे ले रहा है वो, देखो गटर वाला बियर पी रहा है। अरे आ जाओ पार्वती, आ जाओ पिलाओ, आ जाओ आ जाओ। अपने दास बाबू बहुत दिलदार है, मारूंगे। सोचने सामने लगता है दीदी ने तीन चार पैग मारे। अरे तो तुझे क्या, तुम सबको यहाँ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हमने पी लिया आंटी जी, और अब पीने के बाद हम धमाल भी करेंगे। करेंगे और पीने के साथ साथ आपका गाना भी सुनना है हमें। ए पार्वती, अरे बुला ले रहा। चुप कर, अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शराब पीकर पब्लिक में धमाल की तब सोचना चाहिए था ना। नहीं मैडम, मैं बहुत डिसेंट आदमी हूँ। हाँ मैंने तो बस एक पैग ज्यादा मार लिया था, इसलिए लोगों के साथ डांस करने लगा था। अरे रोना धोना बंद कर। ये क्या सब लोग सैल्यूट मार रहे? पागलों की तरह यहाँ पर क्यों रो रहे हो तुम? सर ये त्योहार के दिन पब्लिक में शराब पीकर धमाल कर रहा था। त्योहार के नाम पर शराब पिएगा तू? हाँ वो एक पैग ज्यादा था सर। नाम क्या है तेरा? क्या कू? कंजूस आना। तेरा यह नाम किसने रखा है? वो मार्केट में मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन घर वाले मुझे रमेश कहते हैं। तेरे साथ कोई लड़की थी क्या जो पब्लिक में शराब पी है तूने? पीने के बाद लड़की के साथ तूने मजे भी लिए होंगे ना? जल्दी से बताओ क्या पिया है तूने? इतनी बदबू क्यों आ रही है?
क्या हुआ? सर शायद इसे पेशाब लगी है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है, अब इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। मजा आ रहा है तुझे? अरे सर वहाँ मत कुछ करो सर, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी तक। अच्छा तेरी शादी नहीं हुई है, जल्दी से बता सच क्या है, बता। तुम लोग यहाँ आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये केस क्या है? लड़की का सेम पिच, कितनी उम्र है? दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम सबको अंदर कर दूंगा, तुम सबकी खैर नहीं है, समझ गए? ये कालिया भी शामिल था इसमें, दोबारा करोगे? नहीं, ठीक है। तुम लोगों ने क्या कर दिया हा? तुम सब जानते हो कि हम लोग इतने सालों से मच्छी का धंधा यहाँ पर कर रहे हैं, हैं? लेकिन आज तक पुलिस वालों के सामने ये अब्दुल हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ है। नहीं अब्दुल भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ कैसा ही थोड़ा टेढ़ा आदमी है। तुम लोग ही टेढ़ा है, इन लोगों से पूछ के देखिए कितना खतरनाक है वो। कुछ मत बोलो। अब्दुल भाई है, गलती मेरी है। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। मेरी बात सुन लो, पिलाने से दोस्ती नहीं बढ़ती है, समझ गया? बस मिल जाए तो पीने लगते हो, कोई इज्जत सम्मान नहीं है तुम लोगों का, बदमाश। तुमने भी पी थी क्या? तो मैं क्या करूं? क्या? ये लोग पिलाएंगे तो मुझे पीना पड़ेगा ना। पिलाएगा तो पियोगी? पापा क्या? अब बस भी करो, कितना सुनाओगे? बेचारे दास भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है पापा। क्यों, तुझे क्या हो गया? तुम्हारे सर पे शैतान सवार हो जाता है क्या? फालतू में पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पुलिस कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा तो काटेंगे, लेकिन उन गुंडों को मारना पड़ेगा। चुप रहो तुम, मुंह मत खोलना, मुंह मत खोलना। जब से तुमने यहाँ पे कदम रखा है तब से पंगे पे पंगा हो रहा है। अरे लेकिन मैंने क्या किया भाई? अरे कर क्या रहे हो तुम, अपने बाप की तरह हरकतें कर रहे हो क्या? पिताजी हम पैदा भले ही अलग अलग हुए हैं लेकिन पले बड़े तो साथ हुई है ना। अब इसे कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त थोड़ी ना कर पाऊंगा। ये मेरा जिगरी दोस्त है पापा, इसके ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं क्या बर्दाश्त कर पाऊंगा? जिगरी दोस्त अब्दुल भाई, चिराग लेके ढूंढने पे भी ऐसे जिगरी दोस्त नहीं मिलेंगे। हाँ एडवांस ले लूंगा और पूरा महीना खर्च चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पैसा भी जमा नहीं किया है, पिताजी चले गए। मैं लड़की हूँ ना, नहीं तो मैं ही चली जाती। क्यों, स्कूल नहीं जाना है तुझे? जाने में देर हो रही है ना, खाना रखती हूँ, खा के जाना। दीदी स्कूल में फीस जमा करने का आज लास्ट डे है, क्लास में सभी लड़कियों ने फीस जमा कर दी है। घर के बाहर पिताजी ने जो पेड़ लगाया है ना, उसे हिलाएगी ना तो पैसे गिरेंगे। स्कूल में तो लोग कुछ भी कहेंगे, उनकी बातें सुनकर इतना उछलो मत। पैसे कहाँ से लाऊं? मैं जितना करती हूँ उतना ही काफी है, हॉस्पिटल से माँ को कौन लाएगा? और जो पैसे खर्च हुए उसका उधार भी तो चुकाना बाकी है। अब यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जा। ओह इस तरह आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, खर्च के पैसे कुछ रखे अलमारी में, जा ले ले और भर देना वहां पर। जाना खड़ी क्या है? थैंक यू दीदी, मेरी अच्छी दीदी। ओ, ये स्कूल की पढ़ाई यहाँ दिखा रही है? हाँ, यस। माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या बात है? मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? माँ ये सोचकर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदर का कमरा बंद करके चाबी यहाँ रख कर जाती हूँ, ठीक है? मैं निकल रही हूँ। तुरंत ही वकील को पैसा देना होगा, अगर पैसे नहीं दिए तो पता नहीं कल को क्या होगा, समझ रहे हो ना? मैं चलती हूँ दीदी। हाँ ठीक है। मुद्दू मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
अच्छा बेटी ये बताओ कि ये सब क्या है? मैं जब भी फोन करता हूँ तुम बिजी रहती हो, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी से भी बात करो, मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं इसीलिए आया हूँ। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं सारा पैसा चुका दूंगी। तुम ये बात बहुत बार कह चुकी हो, अब ऐसा नहीं होगा। अरे वैसे भी मैं टैक्स वैक्स से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, सबका रास्ता मेरे पास है। ए मेनन इधर आ, आ यहां बैठ जा। बेटी तुम्हारे पास पैसा नहीं है और इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। बेटी अगर तुम इसकी बात मान लोगी तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। वैसे भी थोड़ी देर मिलने में क्या फर्क पड़ता है बेटी। देखो मैंने तुम्हें जबरदस्त आइडिया दिया है, अब तुम जाओ, आज रात को मैं यहां आऊंगा, साथ में ये भी आएगा और सब कुछ बिना किसी को पता चले ही हो जाएगा। ताना रे तन्ना रे तन्ना ताना रे तन्ना रे टडडिंग। अरे क्या मेनन, यहीं पर घर बसाना है, चला जा, रात को आएंगे। मच्छी ले लो, मच्छी ताजा ताजा मच्छी, 80 रुपए में 2 किलो मच्छी। आवाज लगा ना? अरे वही तो लगा रहा हूँ। ए माँ जी आइए देखिए, मस्त ताजा मच्छी है, 80 रुपए में 2 किलो बड़ा और छोटा बच्चा 50 रुपए में। क्या कहा? 50 रुपए में छोटी मछली मिलेगी। ठीक है चल मुझे 2 किलो दे दे। साहब मेरी बात इसकी समझ में नहीं आई है, तो तुम इसे धंधा सिखाओ। सही है सही है, ये लीजिए। ए मैंने ऐसे फालतू में मछली नहीं ली है। हाँ? इलाज कराने के बाद भी मेरी बच्ची को बच्चा नहीं हुआ। हाँ? इस मछली को पका के उससे खिलाऊंगी। हाँ? अगर फिर भी मेरी बच्ची को बच्चा नहीं हुआ ना तो उसे वापस लेकर आऊंगी। अरे रे रे रे, अरे मछली के पैसे तो देकर जाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। तो सुन लो, मछली खिलाकर कुछ नहीं होगा, ना तो बच्चा होगा ना बच्ची होगी। जाओ जाओ। मेरे पास तो अभी कोई 8-10 हजार रुपए होंगे। उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो मुझे देखकर बहुत उछलता है, कुछ भी बोलता है। तुम घर में रहोगी तो ही वो लोग आएंगे ना। दीदी अरे इस लड़की ने हमें धोखा दिया, तुमने क्या किया? अरे मैंने तो कल ही कहा था रात को हम आएंगे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अरे रे रे, हमें हमारा पैसा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। दीदी तुम कहाँ थी? इन लोगों ने हमें बहुत तंग किया। अरे इन लड़कियों की बात मत सुनो, अरे हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने यहाँ वक्त बिताने के लिए सिर्फ यहाँ बैठकर 2 पैग मार लिया था, फिर हमने थोड़ा सा नाटक दिखाया। अरे क्या करता भाई, पैसे नहीं दोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसे दे दोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे उठो भाई। वर्गीस भाई ये लड़कियाँ मजबूर है, थोड़ा सा समय इन्हें दे दो ना, मेहनत करके आपको पैसा लौटा देगी। तुम अब्दुल के दूसरे बेटे हो ना, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तुम हमारे पैसे दे रही हो कि नहीं? अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं दे दूंगी। सुनो तुम्हारा हमेशा का यही रोना है, चलो तुम हमें पैसा मत दो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, खुद ही बैठोगी या हमें बैठाना पड़ेगा? सेठ जी ऐसी बातें मत करिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ए छोटे बच्चे, भाई तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तुम्हारे पिताजी हमेशा हमें मार्केट में बहुत अच्छा काम देते हैं, तुम उनका नाम बदनाम मत करो। अगर इसके बाद भी नहीं समझोगे ना तो मैं तुम्हें एक घूंसा मारूंगा। मेरी बात सुन बे, मुंह संभाल कर बात कर, यहाँ से चुपचाप निकल जा वरना जान से मार दूंगा। हे भगवान। सुनो मेनन, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, हम अभी जा रहे हैं, तुम इसके साथ सेट हो क्या? अब चुपचाप क्यों खड़े हो, चलो अब जो भी करना है हम बाद में आकर करेंगे। चुपचाप यहाँ से निकल लो। ठीक है बेटा, बाद में तुमसे मिलता हूँ, अभी मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, क्या करना है ये बताओ। क्यों जोश, बहुत दिनों से तुमने मार्केट में गुंडागर्दी नहीं की, अब तुम्हारे लड़के लोग आगे बढ़ गए और इनको आकर धमकी देने लगे। साहब जी
मुझे लग रहा है आप हमें कम समझ रहे हैं। एक बार आपने मुझे काम दिया था, मैंने उसे कैसा सबक सिखाया ये आप भी जानते हैं। अभी भी उस पे केस चल रहा है, ये तो आप भी जानते हैं ना। अरे नहीं जोश, मैं तुम्हारी हैसियत को कम नहीं बता रहा हूँ। 1-2 लाख रुपयों की बात थोड़ी है, बहुत नुकसान हो रहा है मेरा। कुछ करो ना जोश। हमने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं, उसने खाकर डकार भी ले लिया है, हमारा तो लॉस हो गया ना। नहीं, वो कहाँ मिलेगा बताइए। अरे भाई वो मार्केट में ही मिलेगा, और कहाँ मिल सकता है। ओ, भाई मेरी नींद तो खराब हो गई, अब उन लड़कों के साथ हम तो उल्टा खेल खेलेंगे। वैसे मार्केट में बहुत सारी फोटो हैं, लेकिन साहब का फोटो तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। उसने मेरी फोटो चिपकवाई है ना, उसे पता नहीं है मैं अपने लड़कों को बोलकर उसके साथ क्या खेल खेल सकता हूँ। उन लड़कों को हम मौका देखकर बहुत बुरी तरह से धुलाई करेंगे। अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। देखा अपनी खेल की मस्ती का परिणाम। अरे मैं काम करके शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकता, ऐसी किस्मत है मेरी। पापा हम लोग तो मुंह बंद। लोग कहते हैं कि पत्थर से बात करना और तुमसे बात करना बराबर ही है। सही कहते हैं लोग, बिल्कुल सही कहते हैं। भाई साहब आपका बेटा सही कह रहा है, तो उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? यहाँ पर ज्यादा भीड़ मत लगाइए, दूसरों को तकलीफ होती है, समझ गए? दोपहर के बाद हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? अब शांति मिली तो मैं अब घर जा सकता हूँ क्या? वो तुम लोग भी इनके साथ हो क्या? ठीक है जाओ 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 जाओ, वो अंदर ही है, जाओ जाओ। किसने किया ये पता चला? शेरू के ही गैंग के लोगों ने। भाई इस दारू में तो कोई भी नशा नहीं चढ़ रहा है, लेकिन आपने उस आदमी को मारा ना, उससे हम बहुत खुश हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है, समझा? मैं उसे जान से मार दूंगा। किसी को मत छोड़ना, जाओ मारो। अरे तेरी तो तू हमारे भाई को मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई से पंगा लेने की? अरे 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 क्या कर रहा है? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे तू मुझे मारेगा क्या? अरे मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। अरे बाप, अभी बताता हूँ तुझे। चल बता कैसी लगी मेरी एक्टिंग। ये ले। इन लोगों के भरोसे पर रह के तूने हम पर हमला किया। अगर अपने असली बाप की औलाद है और अपनी माँ का दूध पिया है तो अकेले आना, जिस दिन आएगा ना वहीं पे गाड़ दूंगा। We'll be right back.
तू मेरी आदत नहीं जानती क्या? यहाँ से चली जा, नहीं तो तू भी पिटेगी। चलो चलो। देरी। हे, तुझे वहाँ भेजा था मार खाने के लिए क्या? जोस भाई, मैंने बहुत बार कोशिश की, पर वो लड़के बहुत स्ट्रांग है, मुझे माफ कर दो। तू तो जोस का जिगरी दोस्त है ना, पिटा तू है, लेकिन चोट मुझे लगी। बता, किसने मारा है तुझे? ताजा ताजा मछली ले लो। मछली मछली ताजा ताजा मछली। ये अब्दुल भाई की मछली की दुकान है क्या? मन में अगर पाप हो ना तो सब कुछ गलत ही दिखाई देता है। ये समुद्र की मच्छी है, नमक के पानी में रहती है, फिर भी नमक नहीं लगता इसे। समुद्र में गया तो मौत आनी पक्की है, अगर फिर भी बच जाता है तो ये जोसफ गला घोट देगा। तूने गलती कर दी जो जोसफ के सीने पे हाथ लगा दिया। अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। अरे जोश भाई, यहाँ मार्केट में दोनों आमने सामने खड़े हैं, लगता है कुछ होने वाला है। कुछ करने के लिए नहीं, लास्ट वार्निंग देने आया हूँ, उसके बाद ही करूँगा, यही मेरी आदत है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है सीधे स्टेशन में कहना, अपनी सारी बातें एक पेपर में लिख कर दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सब मेरे हाथों में है जोश भाई, थोड़ा पैसा वैसा दे दो। चलता हूँ मैं। क्यों रे, पापा अंदर है? हाँ, घर में ही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। मुत्तू, मैं भी यहीं पर हूँ। जरूरत नहीं है, ये तो बच्चा है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मच्छी ले लो, मच्छी ले लो, ताजा ताजा मच्छी। अच्छा हुआ आज तू घर में ही पड़ा हुआ है। एक बात बता, तू करना क्या चाहता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम सालों से घर में पड़े रहते हो, काम धंधा नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, तो कैसे चलेगा? देखो, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो परिवार क्या खाक चलेगा? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? पापा, हा? मैंने इसके काम के लिए अपने पति से बात की है, तो उन्होंने वादा किया कि इसे दुबई में काम दिला देंगे। हाँ तो ठीक है, तुम चली जाओ ना, जाकर अपने पति से भी वहाँ पर मिल लेना। सुन लिया? इस तरह उपदेश देना बंद करो बेटा, तुझे जिस चीज में खुशी मिलती है ना, तू वही कर। इन लोगों की बातें सुनकर क्या फायदा होगा, जो करना है कर। अरे ऐसे कैसे, खुश रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। गांव वालों के लिए, घर वालों के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? पूछो जरा, सब कुछ फ्री में थोड़े होता है। अपने बच्चों की किस्मत तो हमें ही लिखनी होगी ना, इस तरह बातें करके क्या फायदा होगा। पापा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धंधा कैसा रहा? ओ, बहुत ही बढ़िया। देखा, सुबह से रात तक धंधा करके चार पैसे कमा कर आ रहा है, जरा सीखो तुम इससे। लेकिन नवाबी जाएगी थोड़े ही आपकी। अब मत बोलो। क्यों ना बोलूं? क्योंकि बाजार में आपके जो 5 उधार थे ना, वो मैंने चुकाए हैं। उधार चुकाए, वो भी अपने लिए। तुम किससे बात कर रही हो बेटी, इस पागल से? क्या पापा, आप क्यों परेशान कर रहे हो, ये भी अपने आप समझ जाएगा। हाँ। अरे समझाओ इन्हें थोड़ा, क्योंकि हर कुत्ते का एक दिन जरूर आता है। कुत्तों का आता होगा, लेकिन सबका आता है ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके मामले में टांग अड़ाने से नुकसान ही होगा और कुछ नहीं, मेरी बात याद रखना। हाँ। ये नहीं मानेंगे, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्त बेटा, वो जोश आया था क्या? सावधानी से रहना,
खतरनाक लोग हैं, पीछे से वार करते हैं। मेरा अनुभव है ये, मार्केट में सभी लोग जानते हैं ये बात। अरे मेरे भाई, मेरे सर में जो दिमाग है ना वह खराब हो गया है। देखो ये भाई कैसे परेशान होकर बैठा हुआ है। अरे भैया ये बिल्कुल कुबेर के जैसा है। भैया जब हम पैसों से खेलने के लिए सोचे तो पता है देश में नोटबंदी हो गया और उसके बाद लागू हो गया GST। फिर तो हम लोग बिल्कुल साफ हो गए। ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा भाई? Hey. लंदन में अपने बेटे को पढ़ाया है, वो मुझे पैसे नहीं भेजता। सुनो मेनन, अगर उस बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तुम एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद लो और बंदूक दिखाकर उससे पैसे ले लो। अरे वो डर कर पैसे दे देगा। हाँ कुछ दिनों तक तुम्हारा मन घबराएगा, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे क्या हुआ भाई? धूम धड़ाका, कुछ करना पड़ेगा। अगर कुत्ता प्यार से भी चाट लेना तो ऐसी हालत हो जाती है, समझे? देखो जोश, मार्केट में तो उन लड़कों का तुम कुछ भी नहीं कर पाए। देखना अब मैं मट्टांजरी से मस्त खिलाड़ियों को बुलाता हूँ। मट्टांजरी पागलपन है, मट्टांजरी के लड़कों से कुछ भी नहीं होने वाला है। ताकत से नहीं, दिमाग से खेलूंगा। अब ये जोश दिमाग से खेलेगा। अरे भाई क्या करने वाले हो, हमें भी तो समझाओ। भाई मेरी बात सुनिए, आपका पैसा आपको मिलेगा और मैं ये आपसे वादा करता हूँ। अरे भैया हमें वादा नहीं, पैसा चाहिए। क्या भाई, आपको अपना पैसा चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा। वो देखिए वहां। गाड़ी में कौन आ रहा है? मुझे क्या पता। अरे समीर। अरे तुम हो। क्या यार, तू तो पहचान में नहीं आ रहा है, बहुत बदल गया भाई। अच्छा मुझे ये बता कि यहाँ आना कैसे हुआ? बताता हूँ यार, अभी अपने पास बहुत टाइम है। वैसे पार्टी मनाए हुए बहुत साल हो गए। अच्छा ये बताओ, अभी भी पीते हो? इसका ब्रांड सुपर ब्रांड है, ये पिएगा, पियक्कड़ है। हे, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है यार। अच्छा यार मेरे लिए भी कोई रास्ता बता ना। मैं आ गया हूँ ना, फिर तो जलवे हैं। क्यों ब्रो? क्या नजर डाल रहे हो? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी हो, लाइफ में फुल टू ऐश करने का। ऐसी जिंदगी के लिए पैसे चाहिए, पैसे, रोकड़ा रोकड़ा। अगर एक बार सोच लो ना तो कोई भी कमा सकता है। मैं भी कमा सकता हूँ, तुम भी कमा सकते हो, ये भी कमा सकता है। बात समझ में आई ना? मेरी कपड़े की दुकान है, दुकान से घर, घर से दुकान, आओ बस। लाइफ में आगे क्या नया करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। किसी भी हाल में मुझे तो बस आगे बढ़ना है यार। तुम अगर मेरे साथ दोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ा सकता हूँ। तू चिंता क्यों करता है? ठीक है, जो भी तू बोलेगा मैं तेरी बात मान जाऊंगा, बता करना क्या है। तुम मेरी बात मानो तो रास्ता खुलेगा, सारी बातें बताऊंगा। तुम्हारी नजर उधर है ना? वो यहाँ की लड़की नहीं है, बेंगलोर की है, उससे बात करोगे? भाई तूने तो ना दिल की बात जान ली। मैं तेरे से वादा करता हूँ, हमेशा साथ में रहूंगा। प्रधानमंत्री हमारे शहर आ रहे, फिर तो हमारा शहर बहुत ही मशहूर हो जाएगा, है ना? ये मछली पकड़ने वाली जगह है, शुरू से ये ऐसी ही है। ये जगह सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं, यहाँ बहुत सारे धंधे हैं। क्यों मास्टर जी, सही कहा ना? तुम लोग तो बचपन से दोस्त रहे हो ना। अरे भाई ये जगह जो है ना, पहले मछलियों का यहाँ से आयात निर्यात होता था। जब यहाँ पर राजा वर्मा थे तब ये धंधा शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे धंधे होने लगे। आपको याद है मास्टर, यहाँ का सारा प्लान अपने थॉमस इंजीनियर का है। ये मार्केट, सारी दुकानें, सब कुछ उन्होंने सेट किया, सब उनकी देन है। अरे क्या मास्टर, दो बीड़ी के लिए इन लोगों को इकट्ठा करके रखे हो क्या? अगर बात बीड़ी की है ना तो इसकी बात में दम है। अरे बेटी तुम ही अभी से समझाओ। क्यों रे, कल पैसा क्यों मांग रहे थे? दीदी लड़कियों के पीछे उड़ाने के लिए पैसा मांगोगे तो नहीं है मेरे पास, कितनी बार कहा मैं पैसा नहीं दूंगी।
दरअसल बात ऐसी है दीदी, फिलहाल तो तुम ही मदद कर सकती हो। वो जो है ना मेरे दिल के टुकड़े जैसा है, बस मैं उसकी मदद करके उसको सेट करना चाहता हूँ। इसको लेकर साथ में क्यों घूमते रहते हो? घर में नमक है क्या? नमक भी है और कपूर भी है, आपको क्या चाहिए? मेरे प्यारे भाई, तू थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी दीदी को सेट कर रहा हूँ। दीदी सुनिए ना, वैसे मुझे उधार लेने की कोई आदत नहीं है। प्रेमिका के पीछे उड़ाने के लिए पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। हाँ। कैसे हैं पिताजी, काम हुआ कि नहीं? हाँ। ओ देखो आ रहा है, देखो। इतनी देर तक कहाँ थे तुम बताओ? तुम्हारा इंतजार कर करके थक गए हम। जल्दी क्यों आऊं मैं, टाइम पे खाना भी नहीं मिलता। मजाक कर रहे हो? जब देखो फालतू की बातें करते रहते हो। ये कार किसकी है? हाँ मेरे दोस्त की है, पर आप जानकर क्या करोगे? पापा की तरह छोटा धंधा मुझको नहीं करना है। चल हट। क्या हुआ है इन्हें? बस ऐसे ही जुकाम हुआ है और क्या। पापा एक छोटा सा काम मिला। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छी बात है। दो दिन में ये पैसा, दो दिन में मिला है तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए। ना ना, ना नहीं चाहिए। मैं चाहे कोई भी काम करूं, आप हमेशा मेरे काम को गलत ही बोलते हो। आपको पैसा नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। समीर ये क्या कर रहा है यार? तू बीच में मत आ, ये हमारे परिवार का मामला है। बस कर। क्या कहा तुमने? तुम्हारे जैसा ये भी मेरा ही बेटा है। इस घर में तुम दोनों की एक ही जगह है, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो तुम। पापा जो अपने भाई को भाई ना समझे उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ इस घर से। तो आपको मेरी जरूरत नहीं रही हा? तो रहो आप लोग यहां पर। जा रहा हूं मैं। अरे ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है। वाह वाह नया कॉम्बिनेशन है ये तो। अच्छा है, ब्रांडी और दूध, स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, पटाखा और आग के जैसा। सिर्फ आग लगा दो तो ये फट जाएगा। है, है। हमारा शराब है, हमारा दूध भी है, कमाल की चीज है ना दोनों। यही तो मेरा फॉर्मूला है, उन गधों को खत्म करने के लिए जेमिनी के लोगों का इंतजाम किया है। तुम जेमिनी वालों को जानते हो या नहीं जानते? सफेद लोग हैं जोश, पूरे सफेद। और यहाँ एक हम लोगों को देख लो, हम लोग शराब पी पी कर ऐसे हो गए ऐसे, और अब्दुल के घर पर तो अब पटाखे फूटने लगे। इस काम में हमें सावधान रहना होगा। उस अब्दुल के बेटे को मुट्ठी में करूंगा मैं। घर में बहुत टेंशन है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे। अरे मेरा फ्लैट है तो तुझे घर की क्या जरूरत है, वहीं चलते हैं ना, जो करना है करेंगे। क्या करेंगे यार? मेरा घर समझ अब तेरा है। ऐसा क्या? आराम से रह। देख इस दुनिया से जाने से पहले हमें कुछ करना है। देख रहे टपोरी आ गया। अगर इसने हम लोगों को तंग किया ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रहने देना यार, अगर ये कुछ भी करेगा ना तो लोग उस लड़की को बचा लेंगे। क्या बहना बड़ी खुश लग रही है तू? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था इसीलिए आ नहीं पाया। वो जो कार में बैठा है ना बड़ा आदमी है, तुझे पसंद करता है। वो तेरे साथ मेलजोल करना चाहता है, अगर तू हाँ कर देगी तो काम बन जाएगा। रेडी है ना तू? तुम मेरे भाई हो या कसाई? अरे चल मुझे, चल मैं नहीं जाऊंगी। चल चुपचाप चल, चलना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत हो लड़की, मुझे दर्द हो रहा है। अरे चुपचाप चल, ले चलो। नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? चल मुझे। ए कहाँ जा रही है? ए रुक जा। मुझे बचाओ दीदी।
साहब जी, ये हमें काम करने नहीं देगी। कालिया, ये तो बहुत हिम्मत वाली है। और मारो। बहुत बढ़िया। पैसों के लिए अपनी बहन को बेचने पे तुला हुआ है। दोबारा शक्ल दिखाई ना तो काट के रख दूंगी। निकल जाए यहाँ से। साहब जी, आप तो बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? आप इससे शादी करोगे ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। क्या स्टाइल से आ रही है, हे भगवान। नए लड़कों के साथ कुछ कर सकते हैं क्या जोश? अरे भाई मेनन, आपने पैसे दिए है ना, तो पैसे दो, भीख मांगने की जरूरत नहीं। अरे रूट चेंज करना पड़ेगा। क्या? अच्छा वो रूट। ओहो, क्यों वर्चेस, वो जोश कुछ कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। विक्रम रहेगा तो बेताल भी रहेगा, बस उसे उठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। ये भगवान का स्थान है, ये तपोवन आश्रम है। तुम लोग यहाँ फालतू बातें करोगे तो इसे डंडे से मार खाओगे। चुपचाप बैठो। अरे चुपचाप कैसे बैठे हैं? बोलो ना, चुपचाप बैठो। ए तुम मेरे साथ आओ, चलो। सुनो, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ। तुम चुप रहो, यहाँ भी अपना काम नहीं होने वाला। तुम लोग निकलो यहाँ से। चलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, बड़ा अच्छा खेल है, बहुत मजा आ रहा है। 100 रुपया, आ जाओ। ये देखो, ताजा मछली देखो, फ्रेश मछली, 150 किलो का 100 रुपया, बस 150 किलो 100 रुपया में। ले लो, ताजा 150 रुपये में, 1.5 किलो, 150 रुपये में, 1.5 किलो, आ जाओ। अरे बहन जी देखो, ताजा मछली है। दीदी, अरे दीदी यहाँ आइए ना, इधर आओ, यहाँ आइए, बातों में मत फंसो। बहुत अच्छी मछली है, ताजा मछली है। वो मछली अच्छी दिख रही है, चलो। अरे दीदी आ जाओ, आइए, एकदम बहुत अच्छी मछली है। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आके देखिए ना। हाँ, दिखाओ। एकदम फ्रेश मछली है, आके देखिए तो सही। अरे वो लोग तो चले गए। मैं जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहा था और वो आ भी गई थी, और उसने मसल दिखाकर अपने पास बुला लिया। तो तू भी अपनी मसल दिखा और चिल्ला। थोबड़ा तो मेरा भी सुंदर ही है। देख, मोरनी को देख के कौवे को जलन नहीं होनी चाहिए। वो ठहरा घोड़ा चिट्टा और तू बटला कालिया। ऐसे ही चलता रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। सारी लड़कियां तो उसकी तरफ जा रही हैं, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। साहब जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और वो क्या बता? आप मुझे एक अच्छी सी शर्ट दिलवा दो। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला। बड़ा आया शर्ट की बात करने वाला, जो मुँह में आया बकता रहता दिमाग खा जाता है। वो सब जाने दो साहब जी। अच्छा साहब जी, एक बात बताओ, आपने उसे देखा क्या? बताओ ना साहब जी, देखा क्या? किसे? अपनी प्यारी को देखा था? उसने तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, लेकिन पहले रात को आपको पार्टी देनी पड़ेगी। हमेशा पार्टी के बहाने मुझसे पैसा लूटता रहता है। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास आइडिया भी नहीं है। इस मार्केट में धंधा करता हूँ और प्यार उससे कर रहा हूँ। अरे मुझे तो कोई ऑफिशियल जॉब करनी चाहिए थी। कहाँ इस मार्केट में मच्छी बेच रहा हूँ। वो अपना हाथ मेरे हाथों में कैसे देगी? सूंघ के देख, बदबू आ रही है क्या? बोलना, आ रही है ना? जी। बात करता है तू भी, लेकिन देख मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करूंगा ही। हाँ। अरे सुनो, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हो, इसकी बात तुम सुन रही हो ना? हम लोग यहाँ कितने दिनों तक चक्कर काटेंगे? अरे तुम ही बताओ, मैं इसे क्या जवाब दूँ? आप लोगों से कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आइए, जब भी पैसे आएंगे मैं खुद आकर दे दूंगी। सुनो बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेटी तुम जरा सोचो, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, इससे हम जैसे बेचारों का कल्याण हो जाएगा, और हम तुम्हें यहाँ परेशान करने भी नहीं आएंगे, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मदद भी करेंगे। देखो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुमसे, बहन जी आप हमारी बात सुनिए, हमारा ये अगर आप छोटा सा काम कर देंगी तो हम ब्याज और मूलधन दोनों भूल जाएंगे, और आपको आपके घर के कागजात भी लौटा देंगे। हाँ
सुनो, तुम्हें ये काम करना होगा। हमारा अब्दुल का बेटा बनकर इस दुनिया में आया है ना, उसके साथ हम जैसे रहेंगे वैसा करो बस। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस घर पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्या सोच रही हो, डिस्काउंट चाहिए इस पे तुम्हें? देखो ये बहुत अच्छा ऑफर है। सुनो, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, घर भी अच्छे से रखना है, अच्छे लड़कों से लड़कियों की शादी भी करवानी है कि नहीं? देखो बहन जी, हर आदमी की यही इच्छा होती है। तुम हमारा साथ दोगी तो हम ये काम आसानी से कर लेंगे, ये मेरी जुबान है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ, उसके लिए यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से सोच लो, जो तुम कर रही हो वो सही है क्या? माता जी समझाइए ना इसे। तुमने ऐसी हरकत क्यों की? उन लोगों ने कोई गलत बात तो नहीं की ना? हमारे दिन अच्छे हो गए हैं ऐसा समझो तुम। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं इन लोगों का साथ कभी नहीं दूंगी, और मुट्टू के खिलाफ जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भूल ही जाओ माँ, आप शांत रहो। ये मुट्टू कौन है बताओ मुझे, बताओ ना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं इन दोनों को मार कर खुद को भी मार लूंगी, समझ गई ना तुम? Cheers. सच में यार, ये जगह तो पूरी स्वर्ग ही है। मजा आ गया यहाँ पर आकर, तू लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अगर ऐसी जिंदगी नहीं जीना तो मर्द होने का फायदा क्या है? एक बात कहूँ यार, तू असली मर्द है। हाथ मिला चल। देख यार, मुझे मजे लेने हैं यहाँ पर, जाकर मजे ले लूं क्या? जाना मजे कर। यहाँ मैं पहले से ही टेंशन में बैठा हूँ, और तू है कि तुझे मजाक सूझ रहा है? क्या हो गया तुम्हें? टेंशन में रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे तुम। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है। वो मार्केट में आएंगे तभी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी ना। अब अगर पिताजी ही नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाके? मैं ऐसी टेंशन में हूँ। तुम्हारे टेंशन लेने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला, इसलिए चुप बैठो। देखो चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। कितनी देर हो गई, कब से उसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे दिमाग का दही बन गया है। देख इस काम में ना चालाक होना जरूरी है, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। भाई इसे बेच देंगे ना तो बहुत पैसे मिलेंगे। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कैसी बात कर रहा है समीर, इसको क्या सड़क पे चड्डी बेचने वाला समझ रखा है? मैंने पूरे 1.5 किलो माल बेचा है, 5 कॉलेज में गया था मैं, पूरा माल सप्लाई करके आया हूँ, पूरी गैंग को सेट कर लिया। आप तो कमाल हो भाई, जोश भाई के जैसे हो आप। अरे हम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, अरे ये लोग माल लेने आए हैं। हाँ पहले पैसे बताओ। हाँ हाँ ठीक है, अरे भाई पैसे दो इन्हें। आगे माल चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लेना। समीर तेरे अच्छे दिन आ गए हैं भाई।
मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, चला के बाइक पे बैठ। जो भी बात करनी है यहीं पे करो, समझे? मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। जो भी कहना इन सबके सामने बोल दे। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सब कुछ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तू जानता भी है कि वो तुझे अपने भाई जैसा मानती है और तू है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? मेरे मन में जो आएगा मैं उससे वैसी बात करूंगा। तू जा अपना काम कर। समीर, तू इन लोगों के साथ जो कुछ भी कर रहा है ना, तुझे वो बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरी बात हमेशा याद रख। वो सब मुझ पे छोड़ दे, तू जा अपना काम कर। अगर तूने इनके साथ मिलके कोई भी गलत काम किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, टांगे तोड़ के रख दूंगा। अरे खाना खाओ, क्या सोच रहे हो तुम? खाओ बेटा, हमें कितनी भी परेशानी हो खाने पे नहीं दिखानी चाहिए। आखिर दिन रात हम इसी अन्न के लिए तो मेहनत करते हैं ना बेटा, खाओ खाओ। उसके बिना ना पापा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें आज तक जो भी मिला वो हम दोनों साथ में मिलके शेयर करके खाते थे ना पापा, लेकिन अब मैं कैसे? कुछ भी हो वो मेरा भाई है ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे सुनो बेटा, मैंने भी जिंदगी देखी है बहुत भाई, वो नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हैं? जैसे फल पक के अपने आप गिर जाता है ना, वैसे ही जब तक उसे हमारे साथ रहना था रहा, अब उसके लिए क्या चिंता करना, खाना खा लो। वो जहाँ कहीं भी रहेगा धीरे धीरे सुधर जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, ज्यादा सोचो मत, खाना खाओ। मैंने उसे पैदा किया फिर भी मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? वो चला गया, हम सबको ठुकरा कर चला गया जहाँ जाना था। इस तरह रोक कर क्या फायदा होने वाला है? भूल क्यों नहीं जाते उसे? मैं एक माँ होकर ऐसा कह रही हूँ। चलो अब चुपचाप खाना खाओ, अब इतना मत सोचो। तुम सब भी खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। खाओ बेटा। दीदी वो देखो, मुन्नू भैया। हम लोग तुम्हारे ही घर गए थे। देखो समीर से जाकर हम लोग बात कर लेंगे, अब भैया तुम्हें क्या कहना है तुम ही इनसे कह दो। सीमा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने उन्हें अपने सगे भाई जैसा माना था, लेकिन अब देखो व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज भेजकर दीदी को परेशान करते हैं। अगर हमारी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो खुद देख लो। कालिया, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वो रहा इसकी तो। समीर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि सीमा के साथ कोई भी गलत हरकत मत करना, लेकिन तू है कि अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। तुम इसे मार के यहां से जिंदा बच पाओगे क्या? अगर इससे पहले हम तुम्हें मारे तो तू मुझे मारेगा बे। Yeah.
मैंने तुझे भाई की नजर से देखा था और तूने उसे गलत नजर से देखा। आज के बाद तू मेरी नजरों से गिर गया। मेरी नजरों में आज के बाद तेरी औकात कुछ भी नहीं है। सुन, आज से हम दोनों अलग हैं। तू अपना रास्ता देख और मैं अपना देखूंगा। मेरे सामने मत आना। आजा। क्या सोच क्या रहा है? अंदर आ, आना अंदर। क्यों आया ये? कोई माल रखना है क्या? अरे अंदर आ जा। देख तू जो काम कर रहा है उन सब से हमारी बेइज्जती होगी, पूरे गांव के सामने नाक कटेगी हमारी। हो गया, बोल लिया तुमने। हा? जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अबे रखना इसको, जल्दी कर। उपदेश देने की तो आदत है तुमको। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, जा यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है इसका, सुधरने वाला नहीं है। अरे कोई सुधरना चाहे तब तो कोई सुधारे उसे, हैं? क्या समझते हो अपने आप को? यहाँ से तुम जा रहे हो, अच्छा ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से परिवार बदनाम हुआ तो तुम अब्दुल के बेटे नहीं हो, याद रखना इस बात को। पापा जाने दीजिए ना। क्या चुप रहे तू? मैं कौन हूँ इस घर का? तू तो इस घर का बेटा है ना, तूने हर किसी पे अपना जादू चला दिया है। भैया ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? सब पता है मुझे, तुम सब इसकी बात मानते हो, ये आदमी भी इसकी बात मानता है। क्या कहा ये आदमी? पहले मेरे दो बेटे थे, अब एक बेटे के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। निकल जा यहाँ से, मर चुका है तुम्हारे लिए। चला जा यहाँ से। दोबारा यहाँ कभी आऊंगा भी नहीं। तुम लोगों से मेरा अब कोई वास्ता नहीं रहा, ये बात कान खोल के सुन लो। समीर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बोल रहा है तू। ज्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप सामान उठा अंदर जा। तू है ना इस घर का बेटा, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तू ही अकेले रहे इस घर में, देख क्या रहा है। चल चल। इस तरह अपने प्लान के हिसाब से परिवार में लफड़ा करवाया, अब उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया। देखो जोश, इसका पूरा क्रेडिट तुमको जाता है। ये तो अभी शुरुआत है, उस अब्दुल को सबक सिखाने के लिए आप मेरा काम देखते जाओ। सुनो शेरू भाई, अभी हमारा समय अच्छा चल रहा है। इतना गोल माल करने के बाद अब आपका भी काम सेटल हो जाएगा। ओ, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो भाई, मैं बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उसे खोल कर सुना रहे हो, पागल हो गए हो? अब भाई इसमें छुपाने की क्या बात है, बताओ। जाने दो ना भाई, मैं अभी बहुत खुश हूँ। उस अब्दुल के बेटे से मैं अपना सारा काम करवाना चाहता हूँ। कुबेर को झंडा दिखाओगे क्या? मजाक था। वो मेरे ट्रैक में नहीं आएगा। हाँ उसे बांध कर, ये सब मेरा दिमाग नहीं है। मेरे पास कहाँ इतना दिमाग, इसका दिमाग है। तुम स्मार्ट हो। पापा पापा मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है, तुम जाओ बेटे मैं आता हूँ। शेरू भाई फिर से इसका चैटिंग शुरू हो गया, जरूर इसका कोई चक्कर वक्कर है, जान लो। तुम तो अपनी काली जुबान बंद ही रखो ना। अच्छा ठीक है, ये सब काम खत्म करके मैं तो कुछ आगे करने का प्लान कर रहा हूँ। मैं तो मजा ले रहा हूँ भाई,
मेनन को मैंने पकड़ कर रखा है, बाकी लोगों को क्या करना है वो समझो। जोश भाई तुम भी तो कुछ बोलो। अगर मैंने वादा कर दिया तो मैं वादा पूरा करता ही हूं। क्या मैं सीमा से मिल सकता हूँ? जी सीमा यहाँ पे नहीं रहती हैं। वो छुट्टी पे है क्या? नहीं वो यहाँ काम नहीं करती। और मजे ले लो, बस इसी बात की कमी थी ना, इतने दिनों तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? तो तू यहाँ भी आ गई। मैं कहीं भी जाऊं तू मुझे ढूंढ ही लेती है। ये लड़की तो सुंदर है यार, ये बेंगलुरु से आई लड़की है क्या? क्यों जाने मन? अरे नहीं, ये मेरी खास फ्रेंड है यार, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, समझा? इन्हीं दोस्तों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। मुझे जो भी बोलना है बोल रहे, दोस्तों को कुछ मत बोल प्लीज। हाँ मत बोलना। जरूर कहूंगी, इनकी वजह से तुम बिगड़ गए हो। अरे ये पटाखे की आवाज कहाँ से आई? तुमने मुझे मारा? अच्छी ताजा ताजा मछलियां मिली हैं, आज बिक्री ज्यादा होनी चाहिए। अरे ये क्यों आ गई? ओ भाई मुट्टू कहाँ है? मुट्टू मेरे पॉकेट में है, निकाल ले यार, निकाल। हाँ। वो यहाँ होगा ये सोचकर मैं आई हूँ। अरे मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तुम इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? उम्र तो शरीर का होता है पार्वती, मन का नहीं होता। वो अच्छा रहे इसके लिए घर में शांति चाहिए। हम किसी को जबरदस्ती तो बदल नहीं सकते, खुद समझना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा, मेरी माँ भी ऐसा ही कहा करती थी। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, पूरा गांव यही कहता है। हाँ? क्या सर आज मार्केट की तरफ आ गए? हाँ। हाँ, साहब आप मार्केट क्यों आए हैं? अरे देखने के लिए या हमें तंग करने के लिए? अरे भाई मैं तो इसका हाल चाल पूछने आया हूँ। सिर्फ हाल चाल पूछने आया तो सही है, कोई पंगा मंगा तो नहीं करेंगे ना? अरे ऐसा नहीं है, तुम लोग जाओ। ठीक है ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। अरे कौवे को कैसे रोक सकते हैं? हाँ ठीक है जाओ। अरे भाई तुम यहाँ पर खड़े हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ चलते हैं। क्यों भाई अब्दुल, तुम क्यों मेरे खाने में मिट्टी मिला रहे हो? हाँ तुमको पता है, देखो यहाँ पर एक बड़ी दुकान होती थी, अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठ गए हो तुम लोग। अब तुम ही लोग बताओ इन छोटी छोटी दुकानों से मेरा काम कैसे चलेगा? अब्दुल बचपन में हम लोग मुर्गी चुराते थे, बगीचे से आम की चोरी करते थे, कितनी मस्ती करते थे ना भाई, हम अच्छे दोस्त थे, वही दोस्ती कर लो ना भाई। शुरू भाई ये अन्याय कहीं भी हो अब्दुल उसके खिलाफ जाएगा, ऐसा मैं बचपन से हूँ ये तुम जानते ही हो। तुम एक काम करो, तुम ये ब्याज पे पैसा देना बंद कर दो, तुम्हारी जो खुजली है ना वो सब खत्म हो जाएगी। लोगों का श्राप है ये, श्राप। चलो अरे मैं ये सह लूंगा, लेकिन ज्यादा लाड़ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं पता है ना, और तुम्हारे परिवार में बच्चों ने झगड़ा कर लिया, परिवार बट गया कि नहीं? फिर भी तुम्हारे परिवार की पूंछ मेरे हाथ में है। तुमने मैं ज्यादा ब्याज लेता हूँ ये बोलकर मेरी तस्वीर वहाँ पर लटका दी है ना? हाँ। अब्दुल भाई साहब जी मैंने आपकी तस्वीर देखी। हाँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और आप खुजली भी नहीं कर रहे हैं। कितनी बकवास बात करता है तू यार। देख भाई मैं ये धंधा नहीं छोड़ने वाला। और साहब जी मैं भी अब्दुल मैं चलता हूँ। साहब जी मैं भी आता हूँ, काम पे ध्यान दो। बाप रे ये आ रहा है।
समीर, तुम अगर हमारा साथ दोगे तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। अरे भाई, ये तो हमारे साथ ही है। अब ये पहले के जैसा नहीं है भाई, बहुत स्मार्ट हो गया है। भैया समीर, जीवन जीना है तो पैसे चाहिए, मरना है तो भी शान से जियो। भाई ये हमारा पॉलिसी है। हाँ सुनो भाइयों, तुम लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया है मेरे लिए, और तुम्हारी भलाई के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जोश भाई जो बोलेंगे मैं वो सब करूँगा। तो असली मर्द हो। तुम लोगों को पैसे चाहिए और मुझे भी पैसे ही चाहिए, ये लो भाई। अरे जोश भाई, अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, ये काम हमें बहुत अच्छा लगा। वो क्या है, मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा हमें दिला दो, और उसके बाद तुम लोगों का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। हाँ देखिए, इस काम के लिए जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। क्या हुआ समीर, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मार्केट में अगर किसी ने कुछ भी बोला तो तुम्हारे पीछे मैं हूँ, मेरे गैंग के सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। जोस भाई, अरे मान जा यार, मान जा, चल। अरे जोश, तुम वहाँ क्या कर रहे हो यार? उधर नहीं, इधर देखो। हाँ, एक इमरजेंसी काम आ गया है। देखो जोश, तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आया है। वो लड़की अब अपने शहर में आ गई है, वही मानसी कलमोही। ये क्या, ये लड़की तो मार्केट में कॉफी देती थी। ये मैं नहीं देख सकता। तुझे देखने की क्या जरूरत है बे? हाँ, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं, भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, चलो ठीक है। अरे वो देख, दूसरी वाली भी आ गई। हाँ आ गई, देख देख देख। तुम लोग अपना काम करो ना। चलो यार अपना काम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। किससे शादी करेगा ये? ये ना दोनों से शादी करेगा। हाँ क्या है कि इसके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी वाले ऐसे ही करते हैं। क्यों सीमा, मछली खरीदने के लिए आई हो? सीमा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हीं से बात करने आई हूँ। मुझे अभी दुकान खोलनी है, बाद में बात करता हूँ। अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। सबको सिर्फ खुद की ही चिंता है। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, अब मैं चलती हूँ। मैं जाने से पहले तुमसे एक बार। वो रो रही है। हाँ पापा, कब? बेटा देख, तेरे पिताजी को क्या हो गया? माँ रो मत, उन्हें देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रो मत माँ, प्लीज बैठो यहाँ पे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब वो कैसे हैं? अरे बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके सीने में दर्द उठा तो हम लोग उसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, गैस प्रॉब्लम थी बस। हाँ यहाँ मुत्तू कौन है? हाँ सर मैं ही हूँ, बताइए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा अटैक था। किसी मानसिक तकलीफ की वजह से। खैर जो भी हो आप उनसे जाके मिल सकते हैं, बस थोड़ा साइलेंस रखिएगा। पापा पापा इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा अटैक आया है। आप चिंता करना बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर से मिलना चाहता हूँ।
तुम उसे जाकर के लाओगे क्या मेरे लिए? हाँ बोलो, आएगा वो मेरे पास? वो आएगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं पापा, लेकिन आपको तकलीफ में देखेगा तो वो जरूर आएगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो आएगा। समीर, पापा हॉस्पिटल में और वो तुझसे मिलना चाहते, चल के बैठ। हाँ छोड़ मेरा। कौन पापा? पापा तो तेरा है ना। समीर नाटक मत कर, पापा सीरियस है, गाड़ी में चल के बैठना। जब घर से इसे भगा दिया तो अब पापा कैसा? ये बताओ वो तुम्हारा पापा है या इसका पापा है, है? खुद के बाप की औलाद है तो प्यार की कीमत नहीं जानता? पीने के लिए शराब, सोने के लिए बेड, इसे भी बेवड़ा बना दोगे क्या? इस शहर में हमारा बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भेष बदल कर पंगा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखना। मेरी बात कान खोल कर सुनना जोश, अगर तुमने कुछ किया। समीर, अगर तू हॉस्पिटल नहीं आया ना तो मैं तुझे उठा लूंगा, और मुझे हल्के में मत लेना। बकवास मत कर। जानी तो मूड खराब कर दिया इसने। क्या बात है? क्या साहब जी, मार्केट में देसी शराब पीते हो और यहाँ पर आकर अंग्रेजी गटक रहे हो? कोई लॉटरी लग गई है क्या? नहीं यार, अपनी जिंदगी लॉटरी जैसी है, पता नहीं लॉटरी कभी लगेगी भी या नहीं। लगता नहीं मैं कभी जीत पाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने से नफरत हो रही है। अच्छा वो राम क्या जो कचरा लेने आया था? उसका नाम राम है क्या? हाँ। वो नहीं है यार, हमारे संघ का मेंबर पिल्लई का बेटा है। अरे साहब जी, प्यार पाने के लिए आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? आपसे अच्छा? प्यार करने के लिए मैं हूँ ना साहब। इसका क्या फायदा है, तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम कैसे प्यार कर सकते हो? अरे ये किसने कहा साहब जी? अरे साहब जी, मेरी बीवी मुझे 1000 गुना प्यार करती है, मैं आपसे 16000 गुना प्यार करूंगा। सच है? बिल्कुल सच है। सच कह रहे हो? एकदम सच? हाँ साहब जी, एकदम सच। मेरे भाई, आज से मैं तुझसे प्यार करूंगा, मुझसे प्यार करो, करो ना। क्या कहा साहब जी? मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। वो वाला प्यार? प्यार, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हो मेरी प्रेमिका। दरवाजा बंद। नो, लाइट मत बंद करो। साहब जी, आप पीकर रात में ऐसी हरकतें करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे कौन है भाई? कौन है बे? अबे चल जा, कैसी गंदी गंदी बातें करता है, गंदा वाला प्यार करेगा मुझसे? अरे बाप रे, भागो। अरे भाग बची तो लाखों पाए, भाग ले कालिया। लड़की के नाम पे मुझसे बहुत शराब पी चुका है, अब आगे से नहीं आएगा। आएगा तो इसकी बैंडी बजा दूंगा। सुन, इसे मार्केट में। हा, अरे बेटी, आज इस रास्ते कैसे भटक गई, अच्छा लगा देखकर तुम्हें। कुछ भी कहो, फाइनल डिसीजन तो इसी पर है, इसीलिए आपसे मिलने आई है। ये हमारी बच्ची है भाई, राघवन की बेटी है, अब इसके बारे में हमारे सिवा कौन सोचेगा। मैंने तुम्हें बीच में रोका क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहता था। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? लड़के वाले हैं, आप क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? इन्हें कितना भी समझाओ ये बस हंसते ही रहते, किसी की नहीं सुनते। मैंने भी कितनी कोशिश की। तुम राघवन भाई की बेटी हो ना, उनका कोई भी काम होता था तो हम लोग जरूर शामिल होते थे। आप लोग साथ में थे फिर भी उसने पीछे से वार कर दिया। अरे पुरानी बातें छोड़ो बेटी, अभी जिस काम से आई हो वो बताओ। पापा, इस लड़की की शादी तय हो गई है। हाँ। लड़का इंजीनियर है। अरे उस लड़के के साथ तुम्हारी जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी, क्यों? हाँ,
जब पिताजी गुजरे तब मैं सिर्फ 17 साल की थी, तब से ये बोझ उठाकर जी रही हूँ। मेरी शादी ठीक से हो जानी चाहिए थी, मेरे पिताजी यही चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है ना, है? रो मत बेटी, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, है? परी हो तुम बेटा, मेरी बेटी हो, हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना, तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से मनाएंगे हम बेटा। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे लड़के से हो रही है, बहुत अच्छे लड़के से। चलो अंदर, खाना बनाया है, खा लो। हाँ, खिलाओ पराठा, मुझे तो पूछती नहीं हो। समीर के बारे में जानती हो ना बेटी? जानती हूँ, आने दो उसे, ठीक से समझाऊंगी उसे। अरे सब लोग यहीं पर हैं। अब्दुल भाई, मैं यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। आपने जो पास में किया है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम सब मिलकर शेरू सेठ को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हो, है ना? तुम्हें डरना चाहिए शेरू से नहीं, उस जोश से, जोश मुट्टू के पीछे पड़ा हुआ है। सुनो मेरी बात, तुम लोग हमेशा याद रखना, थोड़ा सावधान हो जाना। माँ जी, आपने मुझे पहचाना क्या? मेरा नाम है बेंजामिन बेन जॉनसन। बचपन में आपने मुझे अपने ही हाथों से खिलाया है माँ जी। आप भूल सकती हैं, मगर बचपन की यादों को मैं कभी नहीं भूल सकता माँ जी। वैसे यहाँ के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बन गया हूँ मैं। आपको पता है कि मेरी स्कूल की फीस कौन भरता था, पता है आपको? ये अब्दुल भाई। इसीलिए सच कह रहा हूँ, यहाँ आना नहीं चाहता था, पर ड्यूटी है तो इसलिए आना पड़ा। सुनिए अब्दुल भाई, कल पुलिस स्टेशन में आ जाइएगा, त्रिचूर से यहाँ पर कोई गैंग आया है। ये कालिया कहाँ चला गया? लगता है मेरी बात को बहुत सीरियसली ले लिया उसने। अरे रे, अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अब नहीं नहीं, क्या करूं साहब जी। हाँ? तुम कहाँ थे? मेरी शादी तय हो गई है। शादी तेरी? हाँ। मैं चलूं क्या साहब जी? हाँ? जा जा। अरे इसकी भी शादी तय हो गई, मेरी शादी कब होगी? ए चल, ऑटो में बैठ जा। मैंने कहा ना ऑटो में बैठ। उठ रहा है कि नहीं? चल। मैं ऑटो में बैठ जाऊं? ये चल बैठ। चलो। बहन, मैं जाकर चाकू लेकर आऊं क्या? चाकू? चाकू क्यों मंगवा रही हो? मैं बहुत बेचारा हूँ, मुझे कुछ मत करना। मैं बहुत डिसेंट आदमी हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो अनजाने में तो मुझे माफ कर दो। मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। सुनिए, हाँ? वो धोती दिखाइए ना, ये वाली। हाँ वही। हाँ। वाली। ये नया कपड़ा पहना के मारेगी क्या? ये जरा देखो, ठीक तो है ना? ठीक हाँ। है कि नहीं? इसे पैक कर दीजिए। मरने के बाद जैसा नया कपड़ा देते हैं वैसे ही मुझे दे रही है। अब तो भगवान भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। वो देखो आ गए। हुँ?
ये तो रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ तो शादी होती है। कालिया, कालिया, तूने नया कपड़ा क्यों पहना हुआ है और हार हाथ में लेके क्यों खड़ा है? तू बाल बच्चे वाला आदमी है, फिर से शादी करना शोभा देगा क्या? अरे साहब जी, शादी मेरी नहीं है, आपकी है। आपको पता है साहब जी, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी आंख लगती थी आपकी वो गंदी हरकतें मुझे याद आती थी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपकी शादी करवाऊंगा। लड़की कौन है पता है? वो जो आपके पीछे है ना, वही है। क्या हम शादी कर सकते हैं? साहब जी, ये आप कहाँ खो गए? मैं अपने आप में ही खो गया हूँ वे, सच में। बेटी, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ ये तुम्हारे पीछे पड़ा है, अब जल्दी से इससे शादी कर लो। सुनिए, आप लोग शादी करवाने आए हैं तो जल्दी करवा लीजिए, मुझे ये शादी करवा कर कहीं और भी जाना है। इंस्पेक्टर साहब भी आ गए? मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? एक पैक बना दो। अरे क्यों रो रहे हो? कुछ भी होता था, ऑन द स्पॉट मुझसे शेयर करते थे मेरे कुंदन साहब, और आज रात को वो अपनी सुहाग रात मना रहे, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। वो सुहाग रात मना रहा है तो तू क्यों रो रहा है? अरे भाई रो मत, चल भाई पी ले। हाँ चलो पीते हैं। सुनो कालिया, शादी तो किसी के भाग्य से होती है। देखो मेरी तो शादी नहीं हुई है, अब मेरे भाग्य में शादी नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है तो दो पैग और मार लो। देखो चाहे कुछ भी हो, उसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से हुई है, ये उसका भाग्य है। पता नहीं भाग्य में क्या है, कल ही वो टॉर्चर कर करके मेरे कुंदन साहब को बिल्कुल सीधा कर देगी। अरे बहुत ही कम लोग हैं जिनकी शादियां हो पाती है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो बीवी भी अच्छी निकलती है। मेरी बात मानो भाई, बीड़ी से बॉडी को नुकसान होता है, ये पैग पियो पियो। हां पियो। चल मरे चल, छोड़ मुझे, छोड़। अरे रे रे रे, ऐसी लड़कियों का मुंबई में अच्छा दाम मिलेगा। सुन, तेरे पति का सारा बिजनेस मेरे हाथों में है, मैं वो सब संभाल लूंगा। तूने हमारी बात मान ली तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। हमारी बात मान ले, इसी में भलाई है, समझ गई है? हमें कुछ मत करना, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, कुछ भी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी मैं। तुम्हारे काम का मैंने इंतजाम कर लिया है, तो तुम दूसरा काम के लिए क्यों तड़प रही हो? सुनिए भाई, इसे मुंबई में अच्छा काम दिलाइएगा। चल चल चुप हो जा, काम करने जा रही है। क्या हुआ, सो जाना। आंखें बंद करती हूँ तो वही शैतान नजर आता है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो काजल, उसे मारने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम उसके लिए परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मेरे बारे में सोचना बंद करो और मुझे भूल जाओ तुम, मेरा एक ही लक्ष्य है, उस शैतान को मारना, उसका वक्त आ गया है। इसलिए सुबह तुम गांव चले जाना, तुम्हें सामने देखती हूँ तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तुम्हारी चाहत के लिए मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ, उसे मारने का मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पेंडिंग काम हमें पूरा करना ही होगा। सच में काम तो हमें यहीं से शुरू करना होगा। तुमने जो उधार लिया है उसके पैसे दो। पिछले हफ्ते मैंने ब्याज दिया था, अभी मुद्दल देने में थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा कहोगे तो नहीं चलेगा दास। चलो पैसे निकालो, पैसे निकालो, जल्दी निकालो पैसे। है, क्या कर रहे हो तुम? शेरू का साथ देते हो ना तुम?
अगर तुम मेरे सामने उसका नाम लोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। कौन है बेटू? हट, बीच में आता है। ए, समीर, तूने पापा के ऊपर हाथ उठाया? पापा, ये पागल, ये आदमी मेरा कुछ भी नहीं है। दोबारा मेरे सामने आए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। दास, पापा, जल्दी से जाकर मेरे लड़कों को बुलाओ। जा। समीर, अगर दोबारा ये गलती की तो तुझे बहुत चर्बी चल गई है। चलो चलो उसे मारते हैं। देख लिया ना भाई, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो गैलरी से देखने में कितना मजा आ रहा है। देखो देखो दोनों कैसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई साहब, आज जैसे त्योहार हो, है ना? अरे भैया जोश, तुम्हारे सर में इतना दिमाग है, मैंने नहीं सोचा था। कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई। अभी लड़के हमारे खिलाफ हो जाएंगे क्या? सुनो, अपनी काली जुबान से ऐसी बातें मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अभी मैं ये तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ। भाई, अब मेरी बारी। चलो तुम्हारा खेल देखते हैं। खेल में जीत के ही आना, ठीक है? पता नहीं मारेगा या मार खाएगा ये। चलो देखते हैं। जा भाई जा, मुझे तो लगता है आज इसकी बहुत धुलाई होने वाली है। मारो यार, भागो, छोड़ना मत। सुनो, कानून अपने हाथ में मत लो, नहीं तो तुम सबको हवालात में डाल दूंगा, समझे? क्यों रे, खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है तू? यहाँ आकर ड्रग्स बेचने का धंधा कर रहा है तू, है ना? जब तक मैं शहर में हूँ तब तक ये तेरा धंधा नहीं चलने वाला। लेके जाओ इसे। इसको पकड़वाने के लिए शुक्रिया। अपने मालिक को बाहर निकाल, वरना हम अंदर घुस जाएंगे। सच कह रहा हूँ, काट के रख दूंगा उसे। तू मरेगा। मुझे उठा दो, उठा। तेरी तरह।
मुझे सवाल पूछने पर तो जवाब क्यों नहीं देता है बे? चल सच सच बता, तेरे साहब कहाँ है? चल बता। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। वो अंदर ही बैठे जाओ ना, दरवाजा खोल। हाँ। चल अंदर अंदर चल, देखते हैं। मारा इसे। क्यों मारा? तूने बता दिया ना इसलिए। अरे मत मारो, अरे छोड़ दो, अरे मत मारो। क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे आपको क्या हुआ? मर गया। अरे डर ना लाया ना। अब क्या करें? हाथ भी गया, बस भी गया। और मारो, छोड़ना नहीं। चल निकल। हे, मार्केट में फिर लड़कों से पंगा लेगा ना तो जान से मार दूंगा। दोबारा किया तो तुम्हारा भरता बना देंगे, समझ गए? हे, सब चलो। मर गया। नहीं मारा। देख, तेरे दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। इसी वक्त का तो मुझे इंतजार था। तेरे बेटे को पैसे देकर खरीद लिया मैंने। आज तेरा बेटा ही तेरे खिलाफ है। तूने मुझसे दुश्मनी की है ना? और मैंने उसका बदला ले लिया। पैसों के दम पे तेरे घर में ही मैंने आग लगा दी। मुझे क्या देख रहा है? उधर नजारा देख। बस करो। क्यों लड़ रहे हो? शर्म नहीं आती? क्यों जोश, इस कमल को भूल गए क्या? वक्त बदलते ही तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला हूं। इसके पीछे तेरा ही शातिर दिमाग है। तू तो पापी है, पाप करना ही तो तेरा काम है ना। ए कमल, तूने जिसे जान से प्यार किया उस सेल्वन का बेटा है। एक चीटी को भी ना मारने वाले मेरे दोस्त को इस जोश ने मार डाला। निर्दोष थे तुम्हारे पिताजी, इस शैतान ने उन्हें मार डाला। नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरे परिवार और जिंदगी को बर्बाद किया इसने, इससे बदला तो मैं ही लूंगा। चल बे, आजा, आजा ना। तू देखेगा मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ने वाला तू ही है जोश, त्रिचूर जोश। कहाँ है जोश, मेरी बीवी और बच्ची? तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुझ पे बहुत विश्वास किया था मैंने। मेरी बीवी और बच्ची कहाँ है? तूने उन्हें बेच दिया ना? सच बता मुझे। हाँ बे, मैंने ही बेचा था। जोश से त्रिचूर जोश बना। नहीं, तू अब इस मार्केट में त्रिचूर जोश बन के नहीं घूम पाएगा। Oh!
जोश, तू जिंदा रहने का हक खो चुका है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तूने बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। नहीं, नहीं। ये मेरा शिकार है और इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, आज इसे मैं मारूंगी। पकड़ो, मछली बड़ी मछली 70 रुपया, छोटी मछली 50 रुपया। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही कहा तूने, ये ले पैसे। ये क्या है, जहर देकर मुझे मारना चाहती है क्या? तुम्हारे यहाँ की मछली खाकर मेरी बेटी माँ बन गई। इतना अच्छा काम करने के बाद भी तू मरी पड़ी है? आज के बाद मार्केट में तेरा भाव बढ़ गया। 1 किलो 200 रुपया, 1 किलो 200 रुपया, 1 किलो 200 रुपया।